Hello everybody, welcome back to this channel. This is Akash Vimal. How are you guys doing? I am back with another video. ये video बहुत अलग है, मतलब ये मेरा पहला experience है life में. तो जैसा कि आपको पता है, मुझे I was COVID positive में था. काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छी blessing दी, thank you so much. तो अभी finally I'm almost out. अभी doctor ने बोला है थोड़ा सा मुझे घर पर रहने के लिए. अभी test भी हुआ है, तो आई एम सपोजिंग कि वो नेगेटिव ही आएगा अभी. तो लेट्स सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द अदर रूम, क्योंकि मेरी कोई औकात ही नहीं बची है. जब से कोविड हुआ है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ऐसे, मतलब जो जो ऑर्डर्स दे रहे हैं मुझे वो मानने पड़ रहे हैं. तो एनीवेज, अभी एक सीन हुआ, आई विल टेल यू द होल स्टोरी. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमारे पास एक बहुत ही क्यूट बच्चा है, एंड ही हैज़ बीन रेस्क्यूड. वो ऑर्फन था, कुछ सीन हो गया था और ये ऐसे रोड पे पड़ा हुआ था वहाँ पर. तो आई वुड लाइक टू कॉल आउट द नेम आकाश. आकाश एक और है, ही इज़ ऑल्सो अ रेस्क्यूअर इन दिल्ली. ही इज़ डूइंग वेरी नाइस जॉब. अभी ही हैज बीन एडेड न्यूली अभी, पर बहुत अच्छा इंसान है वो और बहुत अच्छे से रेस्क्यू करता है. तो आकाश, अगर तुम देख रहे हो ये वीडियो, थैंक यू सो मच एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. तो यस, तो जैसे ही ये रेस्क्यू हुआ, उसके बाद में ये यूपी से रेस्क्यू हुआ था. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड लोनी, तो वहाँ पर उसके अराउंड ये रेस्क्यू हुआ था. तो कभी भी कोई भी जो एनिमल होता है, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ लॉज, कोई भी एनिमल है, अगर वो यूपी में है तो आप उसको दिल्ली में नहीं कुछ कर सकते, या फिर दिल्ली में है तो यूपी में रिलीज़ नहीं कर सकते. तो हमने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को कॉल किया, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को. तो जो DFO सर हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सर हैं, उन्होंने बताया कि अभी उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास कोई जगह भी नहीं है उसको रखने की, और वो ऑपरेट कर रहे हैं 10-20% लोगों से, मतलब कि वो चला रहे हैं, सिर्फ 10-20% लोग हैं वहाँ पर. तो दे आर नॉट हैविंग एनी स्टाफ और कुछ भी नहीं. उन्होंने बोला कि जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट या हार्ड फूड पर नहीं आता, तब तक आप इसको रेज़ कर लो, तब तक आप प्लीज़ इसको अपने पास रखो और ऐसे ऐसे. तो अभी जैसे ही मैं आइसोलेशन से सही हो जाऊंगा, आई विल हैव टू टेक हिम टू संजय गांधी एनिमल सेंटर, वहाँ पर ही लेकर जाऊंगा. खैर एनीवेज, अभी थोड़े टाइम ये मेरे पास रहने वाला है. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो मैं इसको पेट एज अ पेट नहीं रखने वाला हूँ. मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं ये जब बेबीज़ होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी चीज़ प्यारी लगे वो उठाकर घर ले आओ. ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल रहो. ये प्यारे लगते हैं तो इनको ज़िंदा रहने दो, इनको खुश रहने दो. आई नो ये स्ट्रे पेट्स, मतलब स्ट्रे एज अ स्ट्रे इनको बोला जाता है, पर अब इनकी क्या गलती है बेचारों की कि ये स्ट्रे हैं या नहीं. तो कभी भी कोई भी पेट मत रखिए, बंदर को सोचिए भी मत पेट रखने के लिए, स्पेशली ये वाले. अगर इफ़ यू वांट टू हैव, जो एग्जॉटिक पेट्स आते हैं, जो एग्जॉटिक एनिमल्स, जो एग्जॉटिक वाली स्पीशीज आती हैं, वो यू कैन हैव, पर नॉट दिस वन. मैं इसलिए बार बार इधर देखे जा रहा हूँ क्योंकि ही, मतलब शी इज़ देयर. एक्चुअली मैंने अभी ही जा इसका जेंडर आइडेंटिफाई किया है और इट्स अ फीमेल. आई विल जस्ट ब्रिंग हर अराउंड, लेट्स स्टार्ट दिस. सिम्बा भी ऐसे ही घूम रहा है इधर उधर. सो पीपल, this is
पिंकी, जैसा मेरे मम्मी पापा ने नाम रखा है इसका. वी वर वेरी कन्फ्यूज्ड कि हम इसका नाम क्या रखें. तो यू कैन सी द साइज, ये बहुत छोटी सी है और हम इसका ध्यान रखते हैं. अभी इसने थोड़ा सा दूध पिया है, मतलब थोड़ा नहीं पूरा दूध पिया है, तो अभी ये वेट कर रही है सोने का. तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि कोई भी और एनिमल होता है तो हमें उसको ट्रीटमेंट करना होता है, ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, उसको फीड कराना होता है, फिर उसको वाइल्ड बनाना होता है. पर ये है, ये इतनी छोटी है, अभी इसको ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए ही होगा. मैं इसको ये इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है या फिर इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है कि मैं इसको अगर छोड़ दूँ. इसको वॉर्म्थ चाहिए बॉडी की, इसको क्लीनिंग चाहिए बहुत ज़्यादा. जैसा कि यू सी, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग चाहिए और फीडिंग बहुत प्रॉपरली चाहिए. अब मैं बताता हूँ आपको, आप क्यों नहीं रख सकते इनको घर पे. पहली चीज़, इट इज़ इलीगल, इनको घर पर रखना इलीगल. मेरे पास थोड़ा सा अभी परमिशन मिला है, इमरजेंसी परमिशन बोलते हैं उसको. तो मेरे को जो मिला है वो इसके अच्छे के लिए है, इसकी अच्छाई के लिए है, मेरी नहीं. और पहली चीज़, आपको परमिशन मिलनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए आपके पास, जो कि आपको मिलेगी नहीं, सिर्फ इमरजेंसी में मिलती है जो. और दूसरी चीज़, मैं इसकी डाइट का ध्यान रखता हूँ बहुत ज़्यादा. कितने ml ये पी रही है, कितना कितना स्टूल आ रहा है इसका, मतलब कैसे पॉटी आ रही है, कैसे टॉयलेट आ रहा है, हर बिहेवियर इसका कैसे जा रहा है. और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी हल्की सी ड्राइनेस थी, आई विल शो यू, इसकी हल्की सी ड्राइनेस थी स्किन पे और हल्का सा थोड़ा वूंड भी था, क्योंकि ये रोड पे होगी तो गिरी हुई होगी तो दर्द होगा ही, तो वो भी इसको होगा, तो उसका भी थोड़ा सा है. और यस, इसको फीडिंग में भी थोड़ा सा ना प्रैक्टिस सही होती है. मैं सिरिंज से देता हूँ, सिरिंज और बॉटल दोनों यूज़ करता हूँ, पर सिरिंज से जब देता हूँ उसमें थोड़े से स्किल चाहिए होते हैं. है ना तेज तो बेबी. चीज़ बहुत छोटी सी अभी, बहुत छोटी सी है ये अभी. अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये मिल्क ही ले रही है. अरे अरे, अभी ये सिर्फ और सिर्फ मिल्क ही ले रही है. अरे मम, एज यू कैन सी दिस गाय, दिस स्मॉल टाइनी गाय, ये मुझे अभी घूर रहा है. इसको भूख तो हमेशा ही लगी होती है ऑब्वियसली, पर ये बहुत अच्छा बच्चा है. और डोंट गेट कन्फ्यूज विद द साइज, ये इसको ऐसे पर्टिकुलरली अगर मैं इसको ही फिल्म करूँ तो इसका साइज बहुत बड़ा लगता है, पर दिस इज माई हैंड, है ना. तो यू कैन सी इसके हाथों पर ना थोड़ा सा ड्राइनेस है, क्योंकि ये वहाँ पर गिरा होगा किसी जगह पर, तो हल्का फुल्का सा वूंड होगा. तो अभी ही पूप्स अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा टॉयलेट भी करता है, तो अभी इसने टॉयलेट किया है जस्ट अभी. तो मुझे इसके कपड़े चेंज करने हैं, और उसके बाद गाइस नो, बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है हवा लगाने की भी. यहाँ पर इसका हल्का सा वूंड था जो कि एकदम सही हो गया है अभी, है ना. नहीं, खुजाना नहीं है. अरे अरे सो मेरे पास है इसकी बॉटल, जिससे ये सक्शन अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाता, क्योंकि छोटा वाला निपल मंगा नहीं पाया मैं कहीं से भी बिकॉज ऑफ दिस कोविड सीन्स. तो सक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए डाइट का पूरा ध्यान रख के दिस इज 6 ml, तो ये कम से कम अराउंड 4 इंजेक्शन्स इसको अभी जाने लगे हैं. शुरुआत में ही यूज टू हैव सिर्फ 5 ml, जब ये मेरे घर पे आया था सिर्फ 5 ml था, फिर 10 ml हुआ, अभी 15 ml, अभी अबव 20 तो ये ले ही लेता है. तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले सिरिंज से ये पिलाकर थोड़ा सा लाइक 1 इंजेक्शन, उसके बाद फिर मैं इसको बॉटल से पिलाता हूँ, ताकि निपल से इसको थोड़े से जॉज से ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर पाए. लुक एट हिज फेस, क्योंकि जॉज की, इसके जो जबड़े हैं उनको एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत होती है. ये वाइल्ड में सब कुछ खाते रहते हैं इधर से उधर जाकर. ये बहुत ज़्यादा छोटी है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ मिल्क डाइट पे है अभी, सिर्फ लिक्विड डाइट.
मेरे घर वालों को इससे इतना ज़्यादा लगाव हो गया है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू कीप अ चेक ऑन हर. हर कोई चाहता है कि वो ध्यान रखे कि इसका पेट भरा हुआ है, ये गंदी तो नहीं है. और क्योंकि ये लिक्विड डाइट पे है अभी, तो बहुत ज़्यादा टॉयलेट कर रही है ये अभी. इसका स्टूल भी अभी हार्ड नहीं है. अरे क्या देखिए ये इसकी विजिबिलिटी जो है ना, जो देखने की इनकी ताकत होती है, वो थोड़ी सी अभी आई है. जैसे एकदम छोटे बच्चे होते हैं तो उनको धुंधला दिखता है, तो अभी इसको क्लियर दिखना शुरू हुआ है, तो इसको बहुत अच्छी लग रही है पूरी दुनिया. ये केस अलग इसलिए है क्योंकि इसको एकदम साथ रखना पड़ता है, और आई कैन नॉट मिस ऑन एनीथिंग. मैं एकदम, मुझे साथ रखना होता है इसको हर जगह, जब तक ये सो ना जाए. और इसका पेट भरा होना चाहिए, इसका डाइजेशन अच्छा रहना चाहिए, इसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, और सब कुछ. जैसे ही ये थोड़ी बहुत बड़ी होगी, वैसे भी रिहैबिलिटेशन में जाएगी, इसको और मंकीज के साथ रखना स्टार्ट कर देंगे. स्नोई ऑल्सो नोज हर. सिम्बा को भी ये पसंद है. सुबह सुबह ये उठ जाती है जब चीची कर रही होती है, तो सिम्बा सबसे पहले जाकर बैठता है इसके पास. सिम्बा इज़ माई कैट, जो कि अभी इधर उधर घूम रहा था. और दिस इज़ हाउ इट गोज. बहुत काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है ऐसे. आई नो आप किसी को रेज कर रहे हो एकदम बच्चे की तरह, पर आपको उसको देना पड़ता है. तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका दूसरा होता है लगाव. तो लगाव आपको होना हो, प्लीज़ आप रिस्पॉन्सिबल रहो. रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा फ़ायदे होते हैं. है ना छोटी सी लड़की. तो आप इनको घर पर इसलिए नहीं रख सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली आपको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं मिलेगी. क्यों ही मिलेगी, मुझे जो मिली है वो अभी इमरजेंसी के लिए था. तो और मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहा है, कुछ साल बचपन से ही मैं इन चीज़ों में हूँ. और अराउंड मुझे 15-16 अच्छे साल हो गए हैं रिहैबिलिटेशन में, मतलब इनको दवाइयाँ देना, खिलाना पिलाना, साफ़ करना और वो सब में. तो आई नो. तो इसलिए आप पहली चीज़ परमिशन चाहिए होती है. इलीगल है इनको रखना क्योंकि, और ना ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है. और दूसरी चीज़, ये छोटे होके ही प्यारे लगते हैं, बड़े होके ये बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाने लग जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं. अगर आपको केसेस देखने हैं तो आप गूगल करिए. और तीसरी चीज़ है, बस आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. ऑल द डाइट, मेडिसिंस, डाइजेशन. सबसे छोटा बच्चा जो होता है उसमें डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको डाइजेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा. और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो प्लीज़ उनको पेट मत रखिए. मैंने अभी एक हल्की सी इसकी इंस्टाग्राम रील बना के इंस्टाग्राम पे डाली थी. आई गॉट ऑलमोस्ट 50-60 मैसेजेस टेलिंग मी कि हमें बंदर का बच्चा दे दो, हमें बंदर का बच्चा दे दो. अबे यार, मतलब रेस्क्यूड है यार, क्या मतलब, क्या दे, क्या बांटने के लिए. मैं अभी कल मेरे पास एक मैसेज आया, उसमें देयर वाज अ गर्ल और उसने बोला कि आई वॉन्ट टू अडॉप्ट रंगीला. मैंने बोला पहले ये बता बहन की अडॉप्शन के लिए किसने डाला है इसको. उसने बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है आप बेचते नहीं हो, मुझे चाहिए. पर मैंने बोला यार मतलब क्या, मेरा बच्चा है वो यार, मेरा लड़का है. तो यस, अगर आपको कुछ दिखता है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको पालने की कोशिश मत करो. मुझे पता भी नहीं है मुझे कैसे लगेगा, मैं कैसे सोऊंगा जब मैं इसको रिहैबिलिटेशन छोड़ के आ जाऊँगा. अभी जैसे ही मेरा ये रिपोर्ट आती है मेरे टेस्ट की, जैसे ही नेगेटिव होता हूँ मैं, और वैसे ही अगर डॉक्टर ने बोला तो मैं बस बाहर निकलने वाला हूँ और इसको रिहैबिलिटेशन हम छोड़ेंगे पहले. दिस इज़ हाउ इट इज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. अगर आपको कोई और नॉलेज लेनी है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है जेन्युइन वाला, तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम. यू नो, अच्छा नहीं करना, अच्छा नहीं, डोंट ड्रॉप. तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर पेट्स एंड योर सेल्फ ऑल्सो. घर के आसपास के लोगों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए. जानवर नहीं बोल रहा, लोग बोल रहा हूँ. और इसने टॉयलेट कर दिया. अरे रे रे रे, वाइल्ड इंडियन की लाइफ ये है. डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड. और मैं इसको ज़्यादा साफ करता हूँ यार.